नमस्कार, इंडियन न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले है और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, नागौर की बात अब आपको लेकर चलते हैं सुजानगढ़। यहां के मलसीसर बोबासर गांव में लोगों से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर शैलेंद्र लाटा ने और जानने की कोशिश की कि सुजानगढ़ की जनता का चुनावी मूड आखिर है क्या। इस वक्त हम गांव बोबासर में हैं। सुजानगढ़ का तहसील का ये गांव छोटा सा है। हम जनता के बीच में यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ की समस्या के बारे में बात करेंगे, क्या समझ के वोट देंगे लोकसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में। देखो सर, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है और वो अभी तक सोल्व हुई नहीं है, न पिछले राज में हुई है न इस राज में हुई है। समस्या तो सबसे बड़ी यही है, मगर वोट देंगे, समस्या देखेंगे, आदमी देखेंगे। जो मोदी ने देश हित में काम किए हैं उनका भी हम स्मरण रखेंगे, सब सोच समझ के वोट देंगे। किसको वोट डालेंगे, क्या समझ के वोट डालेंगे? वोट मोदी। क्यों मोदी को ही क्यों? देश की सुरक्षा के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं वोट मोदी को देंगे और पानी की समस्या है वो हल कर दो। तो सांसद ने आपकी समस्या कभी सुना नहीं? सुना तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र, कहाँ से कहाँ कहाँ सुनेंगे। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे आप? वोट तो मोदी जी ने दिया। आदमी दे, आदमी देश की सुरक्षा करिए। देश की सुरक्षा के लिए मोदी को वोट देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई क्या मोदी ने दिया, देश की सेवा करनी हो आदमी, जगह 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 सड़क कर दी, पुल कर दिया छोटी छोटी ढाणा में, 5 वर्ष में सो को काम कर दिया। हम एक दो आदमी गांव के बच्चे से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मोदी ने देश में वोट, प्रधानमंत्री बहुत सही है, राहुल सही है, कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे साहब? मोदी है तो मुमकिन है, राहुल कसो तो चीज है। हमारे इस गांव के बुजुर्गों ने सभी किराए एक ही जानी, मोदी को वोट देना चाहेंगे। हम एक पास के गांव के इमरान हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश हित में अगर वोट देना है तो मोदी को वोट दीजिए, अगर देश द्रोहियों को वोट देना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। आपके क्षेत्र में सांसद कितनी बार आए, समस्या का ध्यान किया क्या? देखिए, चूरू लोकसभा में लगभग 1900 गांव है और एक एमएलए पूरे क्षेत्र में एक गांव में नहीं घूम सकता, लेकिन चूरू जिले के जो हमारे युवा सांसद राहुल जी, वो प्रत्येक गांव में कम से कम कई गांव में 3 बार गए तो कई गांव में 5 बार गए, लेकिन हर गांव में उन्होंने जनसंपर्क किया है। राज्य सरकार भी काम कर रही है, उसके अनुसार वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं, राज्य सरकार ने क्या किया, किसानों के साथ धोखा किया, उन्होंने वो कर्ज माफी का लुभावना वादा करके सरकार बना ली और किया क्या, किसानों के साथ धोखा किया है, समय पे बिजली नहीं आ रही है, कोई विकास के एकदम बिल्कुल विराम लग गया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, हमको तो मोदी सही है बस। गांव के युवा भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। बोबासर गांव से शैलेंद्र लाटा, हवा करते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव में पूर्णतः भाजपा जोर पे है और मोदी सरकार पुनः आएगी, पूरा दावा कर रहे हैं, पूरी ऑल इंडिया का दावा है। मोदी ने कहा, मैं चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के मैं गांव मलसीसर में हूं, जहां पे मैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता से बातचीत करना चाहूंगा। चूरू लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और यहां पे राहुल कस्बा भाजपा से हैं और रफीक मंडेलिया कांग्रेस से हैं, उम्मीदवार है, और गांव की जनता क्या कहती है, गांव की जनता का क्या मूड है, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बार आप चुनाव किन मुद्दों से लेकर वोट दे रहे हैं? हां, क्या मुद्दे हैं आपके गांव के? मैं तो मोदी जी निर्देश राहुल दिशा नहीं मैं। हाँ, आपकी जो गांव की समस्या है, राहुल कस्बा जो एमपी है उसने कहीं ध्यान दिया? राहुल कस्बा हम तो ध्यान दिया। आप क्या कहना चाहेंगे गांव की समस्या के बारे में, किस क्या समझ के वोट दें, किन को वोट दे रहे हैं? राहुल कस्बा। क्या कहना चाहेंगे?
हम वोट देंगे मोदी जी को देंगे और हमारे यहाँ से राहुल जी कस्बा है इनको वोट देंगे और हमारे यहाँ गांव में इनकी ओर से अच्छी व्यवस्था है, सही ढंग से चल रहा है और सड़कों का और अच्छा काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, राहुल जी कस्बा को वोट देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी के समर्थन में राहुल जी कस्बा को विजय बनाएंगे। मोदी जी ने क्या किया ऐसा? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है सबको, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस भरी किया है और प्रधानमंत्री। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे राहुल जी कस्बा है वो कर्मठ कार्य करता है और ये बहुत अच्छे कर्मठ है और सबके लिए सबके ध्यान देते, गरीबों के भी ध्यान देते हैं और जो भी दुकानदार हो चाहे गरीब हो चाहे वो कामगार हो जो भी हो, इसके लिए ऐसे कार्यकर्ता मिलना संभव नहीं बहुत है। वो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलना संभव नहीं है, वो पब्लिक को अपना आप ऐसे अपने कार्यकर्ता मिल गए और कोई उसमें बड़पन नहीं है, कोई उसमें सब मोदी मोदी अपना गाँव की जनता कह रही है मोदी मोदी। और मैं इस संदर्भ में बातचीत करना चाहूँगा कुछ युवा कार्यकर्ताओं की, बिहार बीच में वोट दे रहे हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? हाँ। किसको देंगे वोट? राहुल कस्बा को, मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट वोट है हम दो। क्या कहना चाहेंगे? हम दो राहुल कस्बा को देना चाहते हैं। चुनाव में पूर्णतः भाजपा जोर पे है और मोदी सरकार पुनः आएगी, पूरा दावा, पूरी ऑल इंडिया का दावा। साहब ने जो बोला उसके अंदर किया है, लोगों का ये कहना है कि जन प्रतिनिधि इस तरह का हो जो स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में उठा सके। क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी जी की बननी चाहिए अपने हिसाब से, तो तानाशाही का राज है वो नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी मोदी ने किया। और विशेष हर नेता को ये उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में चुनकर वही जाएंगे। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़, उदयपुर।